Good morning, dear student of class 8. How are you all? I hope you all are fine. Very good. Okay, welcome to your science class. In our previous lecture, we have discussed chapter number 5. है ना, that's name is combustion and fossil fuels. ठीक है? पिछली क्लास में हमने अपना जो फिफ्थ चैप्टर है combustion and fossil fuels वो स्टार्ट किया था. उस क्लास में, उस लेक्चर में हमने जाना था व्हाट इज कंबशन, है ना, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, है ना. कंबशन एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो नेसेसरी होती हैं, है ना. सो कंबशन क्या होता है, द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में बर्न होना, जलना क्या कहलाता है, कंबशन. दिस इज अ केमिकल प्रोसेस. ये कैसे एक रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो किसको प्रोड्यूस करता है, हीट या लाइट को. सो डेफिनेशन ऑफ कंबशन, है ना, जो कंडीशंस नेसेसरी है कंबशन के लिए वो हम डिस्कस कर चुके थे. सपोर्टर ऑफ कंबशन वो भी हमने पढ़ा था, है ना. सपोर्टर क्या होते हैं, यानी कि जो कंबशन का जो केमिकल प्रोसेस है उसके अंदर सपोर्ट करते हैं, उनको उसको इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, वो क्या है, सपोर्टर, लाइक एयर एंड ऑक्सीजन, दीज आर द सपोर्टर ऑफ कंबशन. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक कंबशन. ठीक है, अब कंबशन की जो नेसेसरी कंडीशंस थी उसमें हमने देखो बच्चों तीन कंडीशंस को माना था. सबसे पहला तो कि जो जिस जो ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा है, जो जल रहा है, जो लाइट या हीट प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होना चाहिए, कंब्यूसिबल सब्सटेंस होना चाहिए. कंब्यूसिबल सब्सटेंस कौन से होंगे, यानी कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन क्या हो, बर्न हो, वो कौन से हैं, कंब्यूसिबल सब्सटेंसेस. तो देखो फर्स्ट जो कंडीशन थी नेसेसरी वो क्या थी, कि जो सब्सटेंस है शुड बी कंब्यूसिबल, है ना. जो ऑब्जेक्ट हम बर्न करा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, कंब्यूसिबल. सेकंड जो कंडीशन थी वो क्या थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, कि जो सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन है, कंब्यूशन को जो सपोर्ट करने वाले एजेंट है उनकी प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन. यानी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करना स्टार्ट कर दिया, बट उसके थोड़ी देर बाद हमने या क्या किया, हमने हम बर्न कर रहे हैं किसी कंबसिबल सब्सटेंसेस को, बट हमने जो उसका एयर कनेक्शन है, सप्लाई ऑफ एयर है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है, उसको बिल्कुल कट कर दिया, वहां से सप्लाई हो ही नहीं रही है सपोर्टर ऑफ कंबशन की, सो क्या होगा, कंबशन होगा, नहीं होगा, है ना. सो दो कंडीशन, सपोर्टर्स जो होते हैं यानी कि एयर और ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई होना जरूरी है. दूसरा, जो सब्सटेंस हम बर्न कर रहे हैं वो कैसा हो, कंबसिबल हो, है ना. कंबसिबल मतलब वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता हो, ठीक है. थर्ड कंडीशन मैंने वहां पे देखो बच्चों बात की थी, वो क्या थी, इग्निशन टेम्परेचर, है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए क्या जरूरी होता है, इग्निशन टेम्परेचर, है ना. एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए जहां पर कोई भी सब्सटेंस क्या करना स्टार्ट कर देगा, बर्न करना स्टार्ट कर देगा. ओके, ठीक है बच्चों, ऐसा कोई टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, है ना. सो थर्ड जो कंडीशन थी नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन वो था अपना इग्निशन टेम्परेचर, है ना, इग्निशन टेम्परेचर. अब हमें ये जानना है कि ये जो इग्निशन टेम्परेचर है ये क्या होता है ना. हमने थर्ड कंडीशन में तो पढ़ा था कि इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना. अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को कंब्यूज कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, सो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर, इसकी बात कर रहे हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है. सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर देखो बच्चों वो टेम्परेचर होता है
तो कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट बर्न कब करेगा? प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस के कंबशन के लिए वहां पर एयर या ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है ना? कि हमने तीन नेसेसरी कंडीशंस में भी पढ़ा था, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, और जो सब्सटेंस है जिसको हम बर्न कर रहे हैं वो कंबसिबल होना चाहिए, है ना? कंबसिबल से मतलब वो हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करे बर्निंग के बाद, है ना? यही तो अपना मोटिव होता है भाई, हम सब्सटेंसेस को बर्न क्यों कर रहे हैं? वहां से हमें हीट और लाइट जो है वो ऑब्टेन हो रही है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम उनको बर्न कर रहे हैं, ठीक है? सो इस टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंसेस का, अलग अलग कंबसिबल सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया व्हाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? नेक्स्ट जो कंपनी आती है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, है ना? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? देखो वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है ना, वो क्या होंगे? इनफ्लेमेबल। और कम कितना कम? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम क्या मानते हैं कि वो सब्सटेंसेस सारे ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, ठीक है? सो द सब्सटेंसेस विच हैव नो इग्निशन टेम्परेचर आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है? अब वो टेम्परेचर कितना लो होना चाहिए? लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस। कितना लो होना चाहिए? जनरली हम मानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से जिनका इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब देखिए, अभी रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाइट फॉस्फोरस इज अ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, है ना? हो गया ना, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से क्या है? कम है। क्लियर बच्चों? समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट है आज की क्लास में अपना इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, देखो जो कंप्लीट कंबशन होता है ना, उसके अंदर जब किसी फ्यूल को या किसी सब्सटेंस को हम कंब्यूज करते हैं, बर्न करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, है ना? कंप्लीट कंबशन में क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है? जब कोई फ्यूल होता है या कोई भी कंबसिबल सब्सटेंस है, जब हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, है ना? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उनको बर्न करेंगे, सो वहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ना फॉर्म होके क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए एसेंशियल है, हेल्पफुल है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे अगर हम ज्यादा देर तक इसकी प्रेजेंस में रहते हैं, इतनी पॉइजनस होती है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देती है और पर्सन की डेथ तक हो जाती है कंटिन्यू इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? तो जो इनकम्प्लीट कंबशन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस होता है वो एनवायरमेंट के लिए भी एक हैजर्ड होता है। हैजर्ड से मतलब वहां पर हार्मफुल होता है, ठीक है? समझ आया? होता क्या है, क्यों हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए? एक तो एक्सेस में स्मोक होगा, वहां पर धुआं होगा इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब, और दूसरा मेन जो इसका कॉज है वो क्या है? पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होना इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू, ठीक है? तो आप बता सकते हो कि जो इनकम्प्लीट कंबशन है वो कैसे हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है, क्या कौन से नेगेटिव जो इफेक्ट्स होते हैं
वो इनकम्प्लीट कंबशन के हमारे एनवायरमेंट पर होते हैं। ठीक है, समझ आया। लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इनकम्प्लीट जो कंबशन होगा तो फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जनरली जो कंबशन होता है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर, समझ आया। तो आज हमने तीन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर, आई होप यू नो वेरी वेल नाउ। सेकंड इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, एंड थर्ड वन इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज एन हैजार्ड फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है इनकम्प्लीट जो कंबशन होता है वो, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।